आरसीएस का स्क्वाड स्प्रिंट में जरूर है, बट वहां पे बीयू बीयू जाकर दिक्कतें जरूर देंगे। एक प्लेयर को रिवाइवल जरूर मिला था, ड्यूलो को वापस नॉकडाउन करें, मैं भी नॉकडाउन हो चुका, बट पीछे जरूर देखते हैं किस तरह वाली फाइट लेंगे। ही इज द लास्ट वन सर्वाइविंग ओवर देयर। ड्यूलो पूरा फिनिश होंगे यहां पे बिकॉज बीयू बीयू ने अपना स्प्रे नहीं रोका। अब टीम सीक्रेट के प्लेयर्स ने पूरा यहाँ पे रिजल्ट स्कारलेट का स्क्वाड एलिमिनेट कर दिया है 13th प्लेसमेंट पे। पीछे यूडू गैंग का भी एलिमिनेशन हो चुका है, 12 टीमें यहाँ पर बचती है, 37 लोग जीवित है और पांचवां जोन हमारा आ ही रहा है। अब आएगी प्रॉपर वो फाइट जिनकी हम बातें करते हैं। गॉडलेस अभी टॉप किल लीडर्स के अंदर है, 2 किल्स उनके पास है, राइजन भी वहां पर है, ब्यू भी वहां पर है, बाकी सब प्लेयर्स एक एक किल लेकर के अपना यहाँ पर नंबर बनाना चाहते हैं। मिसाइल के काफी करीब से वहां पर हमने देखा कि एक प्लेयर नो चांस के गॉडलेस स्मोक के थ्रू जस्ट रेंग कर जा रहे थे ऑप्टल्स के करीब आने के लिए। बीटीआर के प्लेयर्स रिवाइवल की प्रोसेस शुरू कर चुके हैं, बॉक्स के प्लेयर्स पीछे, सिनर्जी के प्लेयर्स वहां पर फाइट लेने को तैयार है और मेगा साज आ चुके टीम सीक्रेट के ऊपर। मेगा वर्सेस टीम सीक्रेट एक बेहतरीन फाइट हो सकती है। एनकोर आगे जाना चाहेंगे लेकिन ग्रेनेड के पिंस पुल ऑफ किए जा रहे हैं, मैटर को पिक ऑफ किया जाएगा यहां पर सबसे पहला नॉक निकालते हुए। बॉक्स गेमिंग एलिमिनेशन जरूर देखने को मिला, लेकिन ये जो फाइट रहेगी मेगा साज के चारों प्लेयर्स जिंदा है और टीम सीक्रेट के दो ही प्लेयर्स बचते हैं। घर के अंदर ग्रेनेड करने की पूरी प्रक्रिया रहेगी लेकिन रैक्स को भी पिक ऑफ किया जाएगा। ब्यू ब्यू अकेले बचे हैं यहां पर, उनके लिए 1v2s 1v3s निकालना मुश्किल हो सकता है, बट ब्यू ब्यू आप देखिए स्मोक का कवर बनाकर ग्रेनेड आगे थ्रो कर रहे हैं। वैक्स काफी करीब, ग्रेनेड था स्वैग को लेकर जाता है, फिनिश ऑफ किया है जरूर वहां पर, लेकिन ब्यू ब्यू के लिए मुश्किल हो जाएगा। इनकोर को भी यहां पर पिक ऑफ किया जा चुका है स्लेयर के द्वारा इन फाइट्स के अंदर। वैक्सी मैकटॉय को फिनिश ऑफ कर चुके हैं, ब्यू ब्यू के लिए मुश्किल अभी भी बन रखे, लेकिन जो ये फाइट थी इसके अंदर इन्होंने दो प्लेयर्स को जरूर यहां पर खोज सकते हैं बिकॉज इनकोर को आप देखिए वैक्सी को देखिए एक वन वर्सेस वन रहेगा, आसपास आ चुके एक दूसरे के, अड़ोसी पड़ोसी बनकर ये फाइट हो रही थी काफी अलग बिल्कुल वहां पे पैराडॉक्स प्रोन थे राइट हैंड साइड में। अब